आज हम बनाने वाले हैं कपल जा नमाज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुगाड़ विद मी। मैं हूं रिजवाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले आपको इस तरीके का क्लोथ ले लेना है। ये मैंने जीन्स का क्लोथ लिया है एंड देन इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये व्हाइट कलर का क्लोथ लिया है। इसकी जगह आप कोई भी क्लोथ ले सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो। क्लोथ का जो पार्ट है ना, वो थिक रहना चाहिए ताकि अच्छे से हमारी जानामाज बन सके। सबसे पहले हम इस तरीके के जो नीचे वाला क्लोथ है उसके ऊपर हम मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी शेप दे सकते हैं जानामाज को, या फिर आप स्क्वायर भी रख सकते हो। इस तरीके से मैंने ये मेजरमेंट लिया है, इस तरीके से ये शेप दिया है। देन उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे एंड कट करने के बाद देखिए ये दो जानमाज हमारी कट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर जो हमें क्लोथ लगाना है, व्हाइट कलर का जो हमने क्लोथ लिया है, उसको भी हम मेजरमेंट कर उसको भी कट कर लेंगे। दो दो इंच थोड़ी ज्यादा हम कट करेंगे ताकि हम इसको अंदर साइड में फोल्ड कर सके। इस तरीके से आपको नीचे वाला पार्ट ऊपर रखकर इस तरीके से मेजरमेंट लेकर इसको कट कर लेना है। ये हमारी जानमाज कट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच कर देंगे। मैं अपने हाथों से स्टिच कर रही हूँ, या फिर आप सिलाई मशीन पर भी इसको स्टिच कर सकते हो, बट ये जीन्स का कपड़ा है सो दैट्स वाई ये स्टिच नहीं हो रहा था। सो हम इसको हाथों से ही स्टिच कर देंगे चारों तरफ से एंड बैक साइड में आपको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है एंड स्टिच करते जाना है। बहुत ही आसान है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है, बड़े आसानी से ये स्टिच हो जाती है। इस तरीके से मैंने दोनों जानमाज को स्टिच कर दिया है। अब इस जानमाज के ऊपर मैं लगाऊंगी ये वाली लेस। सबसे पहले हमने जो जानमाज को स्टिच किया है उसके ऊपर हम आयरन कर देंगे ताकि जितने भी हमने सिलाई की है वो अच्छे से पैक हो जाए और हमारी जानमाज भी हमें तकलीफ ना दे जब हम लेस को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों जानमाज को इस तरीके से बिछा दिया है। देन उसके बाद हम एक अच्छा सा हार्ट बना लेंगे। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेकर अच्छे से हार्ट बना लेना है। दोनों जानमाज पर हाफ हाफ पार्ट में हार्ट बनाना है आपको। देन उसके बाद हम लेस लगा देंगे, स्टिच कर देंगे। देन अब जो बची हुई लेस है हम उसको यहाँ पर बॉर्डर पर, चारों बॉर्डर पर जानमाज की इस तरीके से स्टिच कर देंगे। इसकी जगह आप कुछ भी डिजाइन वगैरह बना सकते हो, बट मैं नॉर्मली सिंपली इस तरीके से ही लगा दूंगी। देखिए इस तरीके से मैं चारों बाजू से इसको स्टिच करते जा रही हूँ। तो हमारी जानमाज रेडी हो चुकी है, कपल जानमाज। सो आपको ये आइडिया, ये जुगाड़ कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखते हैं वीडियो का फाइनल लुक।